ये रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ है जो सब बेस्ट लग रहा है देखने में। ठीक है, ठीक दिखाता हूँ मैं आपसे बिल्कुल व्यू। ठीक है, देख लो, ये बारिश हो रहा है तो इस पर है जो पानी लगा हुआ है, देख लो ये कांच है। तो डोली की चाय। फ्रेंड कैसे हैं आप लोग, मैं हूँ अनवर इब्राहिम और आप देख रहे हैं VIP नजरा ब्लॉग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड अभी हम जा रहे हैं अपने घर और मेरा ट्रेन है ना वो है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, और ये रेलवे स्टेशन है ना वो सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन है जो माना जाता है। मैं कहीं पे वीडियो देखा हूँ वो बोलते हैं कि ये एयरपोर्ट के जैसे है जो ये रेलवे स्टेशन है, मतलब काफ़ी अच्छे से है जो बनाए हुए। ठीक है, तो गाइज मैं आ गया हूँ रेलवे स्टेशन और आप देख लो बाहर का व्यू कैसा है। ठीक है, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, पहले आपको मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ। अभी इधर है ना मेट्रो का काम सब चल रहा है, आने वाले 2-3 साल में ना ये और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये बाहर का ये लुक है, पहले यहाँ देखो। चलो अब मैं अंदर जाता हूँ और अंदर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अंदर का भी अभी ना मैं रेलवे स्टेशन के अंदर हूँ और दिखाता हूँ मैं आपसे बिल्कुल व्यू। ठीक है, देख लो ये अभी मैं सेकेंड फ्लोर पे जाऊँगा और वहाँ का व्यू दिखाता हूँ आपको। ठीक, देखो यार ये रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ है जो सब बेस्ट लग रहा है देखने में। ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है देखने में, ठीक ठाक क्या बोलूँ, मतलब सबसे बेस्ट है। ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ और जो प्लेटफॉर्म है ना वो सेम उसी टाइप का, जैसे आप नॉर्मल प्लेटफॉर्म देखते हो तो उसी टाइप का है। तो प्लेटफॉर्म तो भाई सेम इंडियन जैसा मतलब है हर जगह उस टाइप का है, और ये सब तो भाई क्या ही मस्त बनाया है यार, आप देख रहे होंगे। और इधर है जो वेटिंग रूम है ये सब देख लो। आप बताना कमेंट करके कैसा है ये रेलवे स्टेशन, और ठीक है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो अभी मैं जाता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 पे मेरा ये ट्रेन आएगी। ठीक है, मेरा ट्रेन है ना वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी। ठीक है, तो यार यहाँ पे ना भाई फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया में रेलवे स्टेशन से, मतलब भाई मैं भी तो इंडियन ही हूँ, सबसे सेफ लग रहा है। ठीक है, मतलब आपको मालूम ही है कितना यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन पे क्राइम होता है, कितना चोरी होता है, लेकिन भाई मुझे ना यहाँ पे एकदम सेफ है जो महसूस हो रहा है, मतलब सामान है कुछ चोरी का ये वो नहीं। ठीक है, तो अभी जाता हूँ मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और वहाँ से मेरा ट्रेन है। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ये सेम है जो ऐसा ही है जैसा आप देखते हैं, तो प्लेटफॉर्म में भाई कोई चेंजिंग नहीं है, देख लो सेम इसी टाइप का है। तो मैं हूँ अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और मेरा ट्रेन है ना वो है जो 30 मिनट है जो डिले है। ठीक है, तो भाई देख लो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और सेम उसी टाइप का है जैसा होनी चाहिए, और जो ऊपर वेटिंग हॉल सब ये सब को काफ़ी अच्छे से अपग्रेड किया है, और ये एक प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तभी भाई इतना अच्छा देखने को मिल रहा है। तो भाई यहाँ ना जो डॉर्मेटरी रूम रहता है ना, यहाँ जो इतना 12 घंटा का है जो 350 रुपये चार्ज लेता है। ठीक है, और मैं ना 70 रुपये में है जो डॉर्मेटरी है यहाँ पर बराबर है जो मैं स्टे कर चुका हूँ, और जो गवर्नमेंट रेलवे स्टेशन होता है वो जगह पर। ठीक है, और ये प्राइवेट है ना, तो यहाँ पे जो 12 घंटा का है जो 350 रुपये ले रहा है। तो भाई प्राइवेट होने का ही एक आपको जो फैसिलिटी अच्छा मिलेगा, लेकिन वही है जो काफ़ी महंगा रहेगा, जो सही भी है और ख़राब भी है दोनों है। ठीक है, तो भाई मेरा जो ट्रेन है ना वो 46 मिनट डिले है। तो यार मैं जा रहा हूँ वेटिंग रूम में, वेटिंग हॉल में, और वहाँ पे भाई मैं वेट करूँगा, क्योंकि यार यहाँ पे फालतू का बैठा रहूँगा उससे अच्छा है भाई मैं वेटिंग हॉल में जो वहाँ रहूँगा और वहाँ से वीडियो भी बनाऊँगा, सब कुछ करूँगा। ठीक है, आराम से बैठा रहूँगा, लेकिन भाई यहाँ ट्रेन है जो वो 46 मिनट डिले हो गया क्योंकि बारिश हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है मे बी बारिश की वजह से भी है जो डिले हो गया हो, और देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है,
सो गाइस मैंने आपको वेटिंग हॉल से जो रेलवे ट्रैक दिखा, ठीक है, कुछ इस टाइप का है। अभी बारिश हो रहा है तो इस पे है जो पानी लगा हुआ है, देख लो ये कांच है, तो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो यार ये काफ़ी बेस्ट रेलवे स्टेशन में से एक हम बोल सकते हैं, ठीक है। और एक सेम रेलवे स्टेशन में देखा था कहाँ, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, ठीक है, जब मैं वहाँ गया था वहाँ, देख लो कुछ इस टाइप का है। गाइस मैं आया हूँ यहाँ पे अभी चाय पीने के लिए, ठीक है, मौसम ठीक है, बारिश हो रहा है, चाय क्या बोलते भैया, चाय भूल गया था। डोली की चाय तो टेस्ट करता हूँ यार कैसा चाय है। गरम है, गरम है, मस्त है, अदरक वाली चाय है, मस्त है यार। जो घर वो है D5, ठीक है, तो मैं अपने D5 वाली जगह पे आ गया हूँ। और देखो ये एक LCD स्क्रीन है और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेन नंबर और प्लेटफॉर्म नंबर, ये सब लिखा रहता है और इसमें एडवर्टाइज भी आता है, ठीक है। तो भाई ये भी ठीक है, मैं अभी आप सबको दिखाता हूँ। तो हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आप कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको रेलवे स्टेशन, तब वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।